हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899-123-008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम जो मॉड्यूल पढ़ रहे थे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस है। तो अब हम आईटी चेंज मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आईटी चेंज मैनेजमेंट यानी आईटी के चेंज को मैनेज करना, किस तरीके से हम आईटी के चेंज को मैनेज करेंगे। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेंज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऐसा होता है कि केवल एक चीज़ परमानेंट है इस दुनिया में, चेंज। मतलब चेंज ही कांस्टेंट है, चेंज ही परमानेंट है। हर चीज़ चेंज हो रहा है, हर सेकंड में नदी चेंज हो रही है। हमारी बॉडी 2 साल में 95% सेल्स चेंज हो जाते हैं हमारी बॉडी में। यानी कि हम सोचते हैं हमारी बॉडी वही है, लेकिन वो नहीं है। 95% सेल्स हमारे 95% से भी ज़्यादा सेल्स 2 साल में चेंज हो जाते हैं। और वो बात अलग है कि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है हमारा वही रहता है, लेकिन सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। कहीं पर चेंजेस तेज़ी से आते हैं, कहीं पर चेंजेस हल्के से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, आदमी जो है 20-25 साल में शादी करता है, फिर 10 साल बाद उसका एक बच्चा होता है। तो 30 साल या 35 साल या 40 साल में एक जनरेशन चेंज होती है। यानी कि जनरेशन चेंज अगर देखा जाए तो अगर एक इफ़ेक्टिवली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है पावर में आए तो वो उसमें 30-40 साल लग जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है, 5 साल में एक जनरेशन चेंज होती है। 5 साल में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। मतलब कई सॉफ्टवेयर तो 6 महीने में चेंज हो जाते हैं, कई बार अपग्रेड्स आते हैं हमारे 6 महीने में, वो नए वर्जन्स आ जाते हैं, अपग्रेड्स आ जाते हैं। कितने में आते हैं? 6 महीने में आ जाते हैं, कई साल भर में आ जाते हैं, कई 1.5 साल में इंट्रोड्यूस होते हैं, कई 2 साल में इंट्रोड्यूस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर जो है मूर्स लॉ की वजह से 2-2.5 साल में आपके पास नया कंप्यूटिंग पावर के नए पैराडाइम आ जाते हैं। 2-2.5-3 साल में तो बिल्कुल नए पैराडाइम आ जाते हैं कंप्यूटिंग पावर के। आज की डेट में आपके पास i5 है तो कल i7 आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, एक मोबाइल, एक लैपटॉप आ जाता है जो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है जो मार्केट में आज अवेलेबल है। तो बेसिकली चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इस चेंज की वजह से क्या है, आईटी के स्टैंडर्ड्स चेंज होने हो जाते हैं। क्योंकि नई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पहले S1 मोबाइल होता है, फिर S2 आता है, फिर S3 आता है, फिर S4 आता है, S5 आता है। हर एक में अलग फीचर्स होते हैं, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है। और आज कल की डेट में क्या है, 2G होता है, फिर 3G आ जाता है टेली कम्युनिकेशन में, फिर 4G आ जाता है, अब 5G आने की बात हो रही है। आज की डेट में व्हाट्सएप में वो कैपेबिलिटी आ गई है कि आप एक दूसरे को फ़ोन से बात कर सकते हो। तो यानी कि कुछ दिनों में मालूम पड़ा फ़ोन करना के लिए जो आप नॉर्मल फ़ोन उठाते हो उसकी जगह आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हो, फ्री में बात कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन के पैसे में बात कर रहे हो। तो यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स आते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स आते जा रहे हैं, अलग अलग कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। और ना केवल कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है बल्कि सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। पहले कोई चीज़ सिक्योर मानी जाती थी, कल की डेट में कुछ दूसरी सिक्योर मानी जाती है। कुछ समय पहले की बात थी, आज से कोई 10-15-20 साल पहले की बात थी, 15-20 साल पहले की बात थी कि हिंदुस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किया। वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उसने एटॉमिक वीपन ब्लास्ट किया, पोखरण में ब्लास्ट किया, जो अंडरग्राउंड टेस्ट किया। उसके बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान को सुपर कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया। आज की डेट में अगर S5 या S6 जो फ़ोन है उसमें उतनी कंप्यूटिंग पावर है जितनी पोखरण के टाइम पर जो सुपर कंप्यूटर्स US ने इंडिया को देने से मना कर दिया था। उनकी कंप्यूटिंग पावर आज के मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है, सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती चली जा रही है। और कहने का मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, आईटी चेंज मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। आईटी चेंज मैनेजमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हर चीज़ें चेंज हो रही हैं। आईटी की सिक्योरिटी चेंज हो रही है, हर लेवल पर चेंज हो रही है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन भी वो चेंजेस लेकर आ रहा है, और अगर वो चेंजेस लेकर आ रहा है तो उन चेंजेस के साथ वो कोप कैसे कर रहा है। उन चेंजेस के साथ क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, क्या कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्या कंपनी के आईटी के गोल्स मीट आउट हो रहे हैं, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं, क्या कंपनी के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं। और चूंकि आईटी
कि पावर बढ़ती जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पैदा होते जा रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आईटी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए ये आईटी चेंज मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे मॉड्यूल में, हमारी स्टडी में आईटी चेंज मैनेजमेंट अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, और ये अलग चैप्टर के रूप में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो इस चेंज मैनेजमेंट के प्रस्पेक्टिव से देखेगा, कहीं ऑडिटर ऑब्सलीट ना हो जाए, दो साल वो चीज़ों के टच में ना रहे और मालूम पड़ा ऑब्सलीट हो गया, क्योंकि नई चीज़ें आ जाएंगी, नए स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, नए सिक्योरिटी के पैराडाइम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसी वजह से हमारी स्टडी आईटी चेंज मैनेजमेंट नाम के चैप्टर को इंट्रोड्यूस करती है, और हमारी स्टडी ये कहती है कि चेंज जो है केवल एक परमानेंट चीज़ है और आईटी एनवायरनमेंट डायनेमिकली चेंज हो रहा है, मैसिवली चेंज हो रहा है, और आईटी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो बिजनेस का नेचर भी चेंज कर रहा है, और बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है तो आईटी एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है, तो यानी कि एक दूसरे को वो चेंज करने में लगे हैं, बिजनेस आईटी को चेंज करता है, आईटी बिजनेस को चेंज करता है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है पूरे आईटी को चेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी के नए नए टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं तो आईटी एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो इस चेंज को मैनेज करना और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा, कंपनी को मॉनिटर करना पड़ेगा, और जो लोग हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, हम जैसे लोग जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं उन्हें भी मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें भी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक सुबह आप उठते हो तो मालूम पड़ा, पता चलता है कि एक कंपनी जो कहीं पर नहीं थी, व्हाट्सएप नाम की कंपनी कहीं पर नहीं थी, वो पैदा हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि $19 बिलियन में वो बिक गई, हिंदुस्तान के पूरे 125 करोड़ लोग $1,900 बिलियन साल भर में पैदा करते हैं, और एक कंपनी सुबह उठे और मालूम पड़ा $19 बिलियन में बिक गई, और एक कंपनी होती है फेसबुक, अचानक वो पैदा होती है और $100 बिलियन की हो जाती है, और एक कंपनी होती है कोडेक, मालूम पड़ा कल की डेट में वो पावरफुल कंपनी होती है, जहाँ पर भी कैमराज की बात आती है कोडेक का नाम लिया जाता है, और एक सुबह हम उठते हैं और पता चलता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि चेंजेस कितनी तेज़ी से आ रहे हैं और किस तरीके से हमें चेंजेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर चेंजेस को हम मैनेज नहीं करेंगे तो हम बैंकरप्ट हो सकते हैं, और चेंज को राइटली मैनेज करेंगे तो हम $1 बिलियन कंपनी हो सकते हैं। आज की डेट में एक आइडिया से $1 बिलियन कंपनी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमारा चैप्टर जो है वो कहता है कि आईटी चेंज मैनेजमेंट के कुछ की कंपोनेंट हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का मतलब आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। जब चेंज होगा तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, लैपटॉप चेंज होंगे, आप जिस तरीके से डेटा रख रहे हैं वो चेंज होगा, सर्वर चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, मालूम पड़ा कल की डेट में आपके नॉर्मल लैपटॉप्स में विंडो XP होता था, फिर मालूम पड़ा विंडो 7 आएगा, फिर 7.1 आएगा, फिर विंडो 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8.1 आएगा, अचानक विंडो 10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो सर्वर्स हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस आएंगे, उसी तरीके से आपके मोबाइल है, इवन मोबाइल में देख लीजिए कल की डेट में 4.4 एंड्रॉयड 4 आया, किटकैट आया, 4.4 किटकैट आया, उसके बाद अचानक एंड्रॉयड 5 आ गया, लॉलीपॉप आ गया, अब 5.1 इंट्रोड्यूस हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा चीज़ आईटी चेंज मैनेजमेंट, हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी, उसके फंक्शन की कंसिस्टेंसी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लिया सपोज आपका वर्जन मैनेज किया जाता है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप कंप्यूटर अपना रखते हो तो क्या होता है कि कंप्यूटर आजकल की डेट में आप मोबाइल रखते हो तो मोबाइल आप देखते हो अचानक अपग्रेड हो जाता है, तो अपग्रेड पैचेस आते जाते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सा पैच है, वर्जन आता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए वर्जन कौन सा है। जैसे मोबाइल अगर आप हाई एंड फ़ोन लेंगे तो आज की डेट में मालूम पड़ा कल की डेट में 4.4 आपका एंड्रॉयड आपने लिया, अगर कोई अच्छा फ़ोन लिया S5 फ़ोन लिया सैमसंग का सपोज, कल की डेट में 4.4 उसमें है एंड्रॉयड, अचानक मालूम पड़ा एक सुबह आप उठते हैं और कुछ मैसेज आता है, आप उस मैसेज को क्लिक करते हैं और फ़ोन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और आपके वहाँ एंड्रॉयड 4.5 दिखाई देता है। कल की डेट में आप कोई डिसीजंस लेना चाहेंगे
तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास एंड्रॉयड 5 है। तो ये अपग्रेडेशंस और वर्जन्स चेंज होते जा रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है यही काम करता है। अगर मान लीजिए सपोज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके आपने सॉफ्टवेयर्स खरीदे हैं बाहर से, विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट से या दूसरी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदें, और मालूम पड़ा सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड होते चले गए और आपको यही पता नहीं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको ये पता चलना कि कौन सा वर्जन चल रहा है, इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जो आईटी चेंज मैनेजमेंट है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसके दो पार्ट हैं और इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट किस तरह से होगा और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किस तरह से होगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको आप उससे पूछोगे कौन कौन सा वर्जन है, कैसे पता चलता है आपको कि कौन सा वर्जन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, क्या ऑनलाइन अपग्रेड होता है, क्या ऑटोमेटिकली अपग्रेड्स होते हैं, पैचेस आते हैं, अगर ऑटोमेटिक पैचेस आते हैं तो कौन सा वर्जन चल रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। तो बेसिकली जो है आईटी चेंज मैनेजमेंट में हमें यह पढ़ना है कि नीड फॉर चेंज क्या है और चेंज मैनेजमेंट कैसे किया जाए। नीड फॉर चेंज तो है ही है, नीड फॉर चेंज क्यों है, नीड फॉर चेंज इसलिए है क्योंकि 5 साल में पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी। अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हो तो वो इनफेक्टिव हो जाएंगे और आपकी कंपनी में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो कंपनी के गोल्स मीट आउट नहीं होंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो आप दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट महंगा होगा और आप अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो जाओगे। यहाँ कंट्री की कंट्री बैंकरप्ट हो गई, सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे से कम्पीट करते थे, तो सोवियत यूनियन अचानक एक सुबह सोवियत यूनियन बैंकरप्ट हो गई। रीज़न क्या था, रीज़न सिंपल ये था, दोनों की जीडीपी बराबर थी लेकिन जो पेन जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो अमेरिका टोटल में जो पैदा करता था, जिस वैल्यू को पैदा करता था, उतनी वैल्यू का माल सोवियत यूनियन पैदा करता था, लेकिन फ़र्क इतना था कि अगर वो एक पेन पैदा बनाता था अमेरिका, सपोज़ वो $1 में बनाता था तो सोवियत यूनियन $1.50 में वही पेन बनाता था, तो वो $1.50 मिला के उसकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी के बराबर थी। लेकिन उस $1.50 की पेन की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं मार्केट में जाओगे $1 के वही पेन अगर आपको $1 में मिल रहा होगा तो $1.50 वाला पेन आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो उनकी जीडीपी और अमेरिका की जीडीपी बराबर रियल में नहीं है, उनकी इनफिशियंसी ने उनकी जीडीपी को इतना बढ़ा रखा, और एक दिन वो उनका प्रोटेक्टिव वॉल गिर गई और रशिया यूएसएसआर गिर पड़ा, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो गिर पड़ा। तो बेसिकली एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, अगर एफिशिएंसी नहीं है, आप चेंज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंकरप्सी के लिए तैयार हो जाइए। तो जो भी चेंज मैनेजमेंट आईटी चेंज मैनेजमेंट के जो भी इम्पैक्ट होंगे वो कंपनी को हाईलाइट करने पड़ेंगे, उसको इलस्ट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कंपनी को पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाना बहुत ज़रूरी है कि चेंज मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट जो है क्रिटिकल आस्पेक्ट है आईटी चेंज मैनेजमेंट, आईटी के लिए कोई भी चेंज मैनेजमेंट या आईटी चेंज मैनेजमेंट आईटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल आस्पेक्ट है। और क्योंकि आईटी कंपनी के लिए क्रिटिकल आस्पेक्ट है तो टोटलिटी में कंपनी के लिए आईटी चेंज मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंजेस प्रॉपरली कंट्रोल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट है, जनरली आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि चेंजेस तो लेकर आता है लेकिन उसमें क्या है, बेईमानी कर लेता है। बहुत छोटी छोटी आईटी कंपनी है जहां पर कंट्रोल सही नहीं है, वहां का आईटी मैनेजर चाहता है चेंज हो लेकिन हर जगह उसका कमीशन होता है, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है, तो कॉस्ट कम होने के बजाय कॉस्ट बढ़ जाती है, या कॉस्ट कम होती है लेकिन उतनी कॉस्ट कम नहीं होती है। तो चेंज मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर मान लिया सपोज आप चेंज नहीं कर रहे हो और प्रॉपर चेंजेस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पर आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर रहे हो, हार्डवेयर अपग्रेड नहीं कर रहे हो, लीस्ट कॉस्ट में उस चीज़ों को परचेज नहीं कर रहे हो और उस चेंज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो, अगर आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंज किए तो मालूम पड़ा नए टाइप के एंटीवायरस आ गए, नए टाइप के फायरवॉल लगाने हैं, नए टाइप का सॉफ्टवेयर्स लगाने हैं, अगर वो नहीं कर रहे हो तो आपकी कंपनी में सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, और उसके अलावा क्या है कि और भी नुकसान हो सकता है, कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती कंपनी,
कंपनी में सिनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। अगर मान लिया कंपनी में 5 सिस्टम्स हैं, वो पूरी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी में सिनर्जी नहीं है। सिनर्जी नहीं है तो जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए उससे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है और कंपनी को इनकॉम्पिटिटिव बना रही है। तो हमने बोला की कंपोनेंट आईटी चेंज मैनेजमेंट के दो हैं, जिसके बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या है? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकंपास करता है, यानी कि सारे आईटी एसेट्स को मिलाकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आईटी एसेट्स क्या हैं? वो आईटी एसेट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो आईटी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी आईटी एसेट में आता है, वो सब मिला के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली मैनेज होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स फेल हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन हैविली डिपेंडेंट है आईटी पर बिजनेस प्रोसेस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये क्रिटिकल है कि अच्छा सिस्टम हो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए। तो कोविड जो है आईटी रिसोर्सेज को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है। सबसे पहले कोविड बोलता है कि भाई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को समझना है तो सबसे पहले आईटी रिसोर्सेज को 5 कैटेगरी में बांट दो। सबसे पहले डेटा होता है। डेटा का मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई भी चीज़, किसी भी कोई भी चीज़ जिसे डेटा के रूप में रखी जाए वो डेटा हो सकता है, उसको डेटा कहते हैं। डेटा क्या है? अगर मान लिया सपोज आप, जैसे हमने अपने कई सेशंस में पढ़ा है कि अगर मान लिया सपोज आप अपना वीडियो रख रहे हैं, वीडियो क्या है? 0101 है बेसिकली, जो है मशीन को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, किस लैंग्वेज में समझ में आता है, 01s में समझ में आता है, तो ऑन या ऑफ इस रूप में समझ में आता है। तो वाइडेस्ट सेंस में देखा जाए जो डेटा जो है वो 01s का कॉम्बिनेशन है। तो वो 01s के कॉम्बिनेशन जो भी होगा, स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, ग्राफिक हो, साउंड हो, वीडियो हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, उसको हम डेटा के रूप में क्लासिफाई करेंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन सिस्टम्स होते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम्स मैनुअल या प्रोग्राम प्रोसीजर्स इनको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद फैसिलिटी आती है। फैसिलिटी में वो फैसिलिटी है जहाँ पर सारा रिसोर्सेज रखे गए, जहाँ सारा सपोर्ट सिस्टम रखा गया है, जहाँ सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम रखे गए हैं। और फाइनली पीपल, स्टाफ। स्टाफ जो है नीचे के लेवल पर आईटी जो है ऑटोमेट करती जा रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पर जो जहाँ से फाइनल अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस जहाँ पर आते हैं वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स होता है। फाइनली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है वो ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल करता है, ये एम्प्लॉई कंट्रोल करता है। तो पीपल जो है मतलब हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक जो डिवीजन है वो पीपल है, यानी लोग है। लोग में स्टाफ होगा, उनके वो स्टाफ में उनके उनके पास क्या स्किल है, स्किल की इन्वेंट्री, अवेयरनेस या प्रोडक्टिविटी क्या है, का लेवल क्या है, किस तरीके से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से वो डिलीवर करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विसेज को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉनिटर करते हैं। मतलब क्योंकि बेसिकली फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग का काम होगा मॉनिटर करना, बाकी सारा काम सिस्टम किया करेगा, जैसे कि अब धीरे 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 होने लग गया है। आदमी जो है केवल मॉनिटर करता है, सेंसर्स लगे होंगे और आदमी मॉनिटर करेगा, नंबर ऑफ सेंसर्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ ऑटोमेशन, लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ता चले जाएगा। तो बेसिकली हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी रिसोर्सेज को कुछ भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में डिवाइड किया। डेटा हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, फैसिलिटीज हो गए और लोग हो गए, पीपल। तो इसको डिवाइड करके हमें एक सेंस आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसकी एक इन्वेंट्री बन जाएगी और फिर हम उसी के अनुसार डिसीजन ले पाएंगे। जैसे पीपल है, पीपल को हम चेंज, या तो लोगों में एट्रिशन आएगा, हम नए आदमी लेंगे, लेकिन पीपल
को हम इवेल्युएट करेंगे स्किल्स के टर्म्स में, यानी 5 साल में एक जनरेशन चेंज होगी तो क्या वो लोग सिस्टम्स में आ गए हैं जो उस सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, मतलब लोग उस लेवल पर, लोगों के स्किल्स अपग्रेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर पीपल के टर्म्स में देखें। फैसिलिटी के टर्म्स में देखें तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। फैसिलिटी में हो सकता है हमें कुछ फिजिकल एक्सेस या लॉजिकल एक्सेस रिलेटेड चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक डिवाइस आ गया आज की डेट में, आपका फिंगरप्रिंटिंग है या आयरस स्कैन है, कल की डेट में फेशियल रिकॉग्निशन आ गया, तो उसके रिगार्डिंग आपको स्कैनर्स लगाने पड़ेंगे। तो फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, डेटा में चेंजेस आते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम्स में चेंजेस आते हैं। तो एप्लीकेशन सिस्टम में मैसिव चेंजेस आते हैं, डेटा में चेंजेस आएगा, डेटा किस तरह से रखा जाए, किस तरह का डेटा है, जैसे आज की डेट में बिग डेटा आ गया है, बिग डेटा जो है ह्यूज डेटा रखा जाता है, और ह्यूज डेटा से इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो कल की डेट में डेटा के स्टैंडर्ड्स और चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हमें करना है तो रिसोर्सेज को इन 5 भागों में डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद आईटी के आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के प्रस्पेक्टिव से देखना स्टार्ट करेंगे कि जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये चेंज इन इन कैटेगरीज को कैसे अफेक्ट करता है, पीपल को कैसे अफेक्ट करेगा चेंज, सिस्टम को कैसे चेंज अफेक्ट करेगा चेंज, सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब सिस्टम नया आएगा तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, क्योंकि उन्हें नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। कुछ ही लोग होंगे जो सीखने में खुश होंगे, अपग्रेड करने में खुश होंगे, उन्हें भी लेकिन थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, नए स्टैंडर्ड सीखने पड़ेंगे, नए सिस्टम से अवेयर होना पड़ेगा। तो बेसिकली एक चीज़ है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमने बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है उसमें क्या होता है कि डिटेल्ड रिकॉर्डिंग करते हैं हम या अपडेट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्जन्स की, जैसे हम ये कहते हैं कि हार्डवेयर का ये वर्जन है आज की डेट में, सॉफ्टवेयर का ये वर्जन है, तो कल की डेट में हार्डवेयर का जो वर्जन है, मतलब हार्डवेयर ऑटो अपग्रेड कर रहे हैं, नहीं हार्डवेयर नहीं सॉरी सॉफ्टवेयर ऑटो अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के वर्जन का अपग्रेडेशन, और अगर हम हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं उसके वर्जन का अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटिकली अगर आप सिस्टम में के साथ उसको अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो बता देंगे कौन कौन से हार्डवेयर हैं आपके पास और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और पूरी हार्डवेयर की इन्वेंट्री और सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री क्रिएट कर देंगे, यानी आईटी के हार्डवेयर और आईटी के सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री वो क्रिएट कर देंगे। तो जब भी सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड्स करेगा तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये उसे रिकॉर्ड कर लेगा कि वो ये देखेगा भाई कौन सा हार्डवेयर कौन सा वर्जन आज की डेट में इंस्टॉल्ड है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम ये है कि वो कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है, और आईटी कॉन्फ़िगरेशन में सारे आईटी कंपोनेंट्स आते हैं। और आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक सिस्टम है जो आईटी एसेट्स के फिजिकल लोकेशंस और उनके वर्जन्स और उनके कॉन्फ़िगरेशंस को रिकॉर्ड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और मैनेज करेगा। तो बेसिकली आईटी कॉन्फ़िगरेशन और आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आईटी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सिस्टम रेगुलरली वेरीफिकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इससे जो रेगुलर वेरीफिकेशन प्रोग्राम है वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि सिस्टम में कोई अनऑथराइज्ड अल्टरेशन तो नहीं हुए, सिस्टम फिजिकल एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है।
तो एक साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बेसिस बनाने की कोशिश करेगा। कल के डेट में क्या होता था, आईटी के सिस्टम चेंज होता था तो उसको ट्रैक रखा जाता था ऑर्गेनाइजेशन में, और एक उसके लिए क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर लिस्टिंग क्रिएट कर दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आज की डेट में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सॉफ्टवेयर, कई कंपनीज जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में इतनी तेज़ी से चेंजेस आते हैं, इतनी तेज़ी से वायरसेस आ रहे होते हैं, उसमें लूप होल्स निकालने के लिए हैकर्स बैठे होते हैं, उसमें क्या कहते हैं उनके लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हैकर्स बैठे होते हैं, तो वो वर्जन्स को अपग्रेड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कल की डेट में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और मालूम पड़ा उसमें लूप होल्स निकल गए। जैसे फॉर एग्जांपल विंडो 10 है, जैसे विंडो 10 मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन पता चल गया, अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा। अल्फ़ा टेस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और वो टेस्ट करते हैं, बीटा टेस्टिंग एक लिमिटेड लेवल ऑफ एक्सटर्नल लोगों को दिया जाता है ताकि फिर वो उसमें फीडबैक दे सकें। तो अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के टाइम पर ही कई बार पता चलता है कि भैया इसमें तो प्रॉब्लम है। तो क्या है, कंपनी सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करती है, और कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में रिलीज़ किया, मार्केट में सॉफ्टवेयर आया, महीने भर में पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है और चारों तरफ प्रेस बोल रही होती, चीख रही चिल्ला रही होती कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपग्रेड्स पैचेस अवेलेबल कराने पड़ते हैं, फ्री पैचेस अवेलेबल कराने पड़ते हैं। तो वो पैचेस भाई, कोई भी पैचेस आपके सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रोजन हॉर्स आ गया। तो वर्जन मैनेजमेंट, अपग्रेडेशन मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, वो जो पैचेस आपने यूज़ किए हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं, वो करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे, ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ये अल्टरेशन ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन कौन से पैचेस इंट्रोड्यूस हुए इस सॉफ्टवेयर में। तो इस सब को जानने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, और ये आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है हमें इसी चीज़ में हेल्प करता है, इसमें सिस्टम को ट्रैक करता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर अगर आ गए तो उनको ट्रैक करता है, सॉफ्टवेयर स्टोरेज कंट्रोल्स को देखता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंटर रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहा होता है। अगर एक हार्डवेयर है और अपग्रेड्स आने हैं, मालूम पड़ा एक हार्डवेयर है, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर है, अब आपके पास एक पर्टिकुलर पुराना लैपटॉप है और आपके पास सपोज एक सॉफ्टवेयर उसमें लगा हुआ है, अब सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन एक लेवल आ जाता है कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होती है, या नया टाइप ऑफ हार्डवेयर चाहिए होता है, या नया टाइप ऑफ लैपटॉप चाहिए होता है, तभी वो उसमें काम कर सकेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकेगा, अदरवाइज सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाएंगे। तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटर रिलेशनशिप देखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, कई वर्जन के सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर में ही काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्जन सही है कि नहीं है। अगर कोई ये चीज़ अपग्रेड हो रही है वो आपको बता देंगे ये पर्टिकुलर वर्जन अपग्रेड हो गया है इसका। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, उनसे क्या है आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये देखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी में जाए तो उसको ये देखना है कि वो ऑटोमेटेड टूल्स कौन से हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है और वो क्या ऑथराइज्ड है कि नहीं है, वो हार्डवेयर जो मार्केट में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्जन अवेलेबल है, जो सही वर्जन अवेलेबल है, जो सिक्योरिटी करंट लेवल की सिक्योरिटी को मेंटेन, आज की डेट में जो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी वर्जन है उसके करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर अवेलेबल है कि नहीं है। कहने का मतलब यह है, आज की डेट में क्या है, मार्केट में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन 1 है, कल की डेट में वर्जन 2 आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि वर्जन 1 जो है उसे हैकर्स अटैक कर लेते हैं, उसमें कोई लूप होल है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो वो वर्जन 2 रिलीज़ कर लेते हैं। अब वर्जन 2 जो है एक पर्टिकुलर लेवल के हार्डवेयर में काम कर सकता है, उस लेवल के हार्डवेयर में किससे नीचे काम नहीं कर सकता। तो आपके पास पुराना हार्डवेयर है सपोज़,
तो क्या है, आप पुराना सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर पाएंगे, और चूंकि आप पुराना सॉफ्टवेयर कर पाएंगे आप वनरेबल होंगे, तो आपको हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को देखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमारी स्टडी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताती है आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल केवल ऑथराइज्ड और आइडेंटिफाइबल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जो हैं उनको एक्वायर करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज आप हार्डवेयर की परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको ये देखो कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए, कौन सा वर्जन आपके हार्डवेयर के पर काम कर सकता है, और वो सिक्योर है कि नहीं है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप आईटी एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी आपको इन्वेंट्री या लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हार्डवेयर का या पर्टिकुलर आईटी एसेट का कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑथराइज्ड डिस्पोजल है कि नहीं है। उसके बाद अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन को का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, नए आइटम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। अगर कोई मालूम पड़ा प्रोटोटाइप आप डेवलप कर रहे हैं उसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसमें भी होता है कि अगर मान लिया SDLC है, इन हाउस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें अगर आप स्टेटस चेंज कर रहे हैं डेवलपमेंट से प्रोटोटाइप में उसे चेंज कर रहे हैं, या अगर मान लिया सपोज अगर प्रोटोटाइप था तो वो वर्केबल टेस्टेबल मॉडल बन गया है, तो वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मान लिया सपोज आप कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी लॉगिंग करना, उसको कंट्रोल करना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब उन चेंज रिकॉर्ड का रिव्यू एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा ये चेंजेस ऑथराइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके अलावा ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लिया सपोज़ कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसकी रिकॉर्ड है कि नहीं रिकॉर्ड है, उसकी हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर मान लिया सपोज़ आपका एक सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो करता है, मालूम पड़ा हार्डवेयर वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन 1 आता है, फिर उसके बाद 1.1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और पर्टिकुलर चेंजेस सिस्टम में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता रहता है अपने आप को, तो उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए कि किस किस तारीख को क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तारीख को कौन सा वर्जन अपग्रेड हुआ। और इनका पर्टिकुलर लॉग्स होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आपको पीरियोडिकली चेक करना है कि ये रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, सारे वर्जन रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक पर्टिकुलर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर मान लिया सपोज अपग्रेडेशन हो रहा है तो किस सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन होगा, ऑटो अपग्रेडेशन होगा, किस सॉफ्टवेयर में ऑटो अपग्रेडेशन अलाउ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी होती है कि अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करेंगे, तो ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर हम यूज करेंगे तो वो कौन से होंगे, कहां पर होंगे, कौन ऑथेंटिकेट करेगा उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। उसके अलावा अगर मान लिया सपोज वायरस डिटेक्शन है तो वो किस तरह से करना है, अगर कोई रेमेडियल सॉफ्टवेयर खरीदना है वो कैसे खरीदना है। उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्टिकुलरली पर्सनल कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का जो सेल्स वगैरह वाले बंदों को लैपटॉप दिए जाते हैं, उसमें देखना है कि कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर तो नहीं रखें, उनकी पीरियोडिक चेकिंग होनी चाहिए। और अगर सपोज पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज आप ले रखें और उनमें एक पर्टिकुलर कंप्लायंस करना है आपको, तो कंप्लायंस आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करेगा, आपके वर्जन्स बताएगा, आपको ये बताएगा ये वर्जन चल रहा है, आपको पास हिस्ट्री होनी चाहिए वर्जन की कि ये पर्टिकुलर हिस्ट्री है, आपको ये पता होना चाहिए ये हार्डवेयर इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए ये हार्डवेयर कॉम्पेटेबल है कि नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर वर्जन है सॉफ्टवेयर का तो ये लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं है, जो ओल्ड वर्जन में सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं हो रहे हैं अगर आपके पास पुराना वर्जन है, और इन सब चीज़ की हिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो आपके पास इस ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास प्रोटोटाइप है इस समय, या टेस्टिंग वर्जन है, या फुल्ली डेवलप्ड वर्जन है, और इस
पर्टिकुलर अगर आप सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, मालूम पड़ा डेवलप कर रहे हो, तो वो कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, फाइल स्टोर एरिया लाइब्रेरी कहाँ पर है, सारे वैलिड सॉफ्टवेयर आइटम्स हैं कि नहीं हैं, फाइल स्टोरेज एरिया डेवलपमेंट और टेस्टिंग और प्रोडक्शन फाइल स्टोरेज एरिया से डिफर करता है कि नहीं करता है, मतलब जहाँ पर जो फाइनल सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ है उसके रखने की जगह अलग होनी चाहिए, उसका फाइल स्टोरेज एरिया अलग होना चाहिए, और जो डेवलप हो रहा है सॉफ्टवेयर या टेस्ट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइल स्टोरेज एरिया अलग होना चाहिए, ताकि वहाँ भी कॉन्वर्जन मैनेजमेंट रखा जा सके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रखा जा सके। क्रिटिकल कंपोनेंट हैं आईटी रिसोर्सेज के लिए, वो आइडेंटिफाइड हैं, मेंटेन्ड हैं कि नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि करंट और फ्यूचर डिमांड्स जो हैं, प्रोसेसिंग डिमांड्स हैं, वो मेजर की गई हैं कि नहीं की गई हैं, और उसको फोरकास्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी फ्यूचर की डिमांड्स होती हैं और आपको पता होता है एक पर्टिकुलर वर्जन आने वाला है, अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो वो अपग्रेडेड वर्जन कब आएगा, और उस अगर वो पहले आएगा तो वेल एंड गुड, बाद में आएगा तो उस बीच के पीरियड में आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर को लेबल करना, इन्वेंटरी करना, प्रॉपरली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के होते हैं। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के पास ऑडिट ट्रेल होता है, बेसिकली हम पढ़ चुके हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, उसमें ऑडिट ट्रेल होता है कि किस तरीके से प्रोग्राम वर्जन नंबर हम रखेंगे और कब क्रिएट हुआ ये डिटेल रखेंगे, प्रीवियस वर्जन की कॉपीज़ हम रखेंगे, तो ताकि हमें पता चल जाएगी हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है, और कॉन्फ़िगरेशन किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हो सकता है, या ऐसे सॉफ्टवेयर का हो सकता है जो कि आपकी कंपनी डेवलप कर रही है। तो सारे केसेस में आपको वर्जन रखना बहुत जरूरी है, का जानकारी होना बहुत जरूरी है, वर्जन के बारे का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वर्जन सही तरीके से नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक सिंपल सा केस देखिए कि अगर मान लें सपोज आप एक्सेल फाइल कई बार बना रहे होते हो तो उसमें वर्जन वन एक्सेल फाइल वन करते हो, फिर टू करते हो, फिर थ्री करते हो, कई बार भूल जाते हो, फिर आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि जो लेटेस्ट फाइल थी कौन सी थी। इसी तरीके से अगर कोई आदमी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और उसने 5-7 वर्जन बना दिए हैं और उसके बाद मालूम पड़ा उसका ट्रांसफ़र हो गया, और उस ट्रांसफ़र हो गया या उसने जॉब छोड़ दी या कोई रीज़न हो गया और दूसरा आदमी आया सिस्टम में, उसे ये पता ही नहीं चलेगा वर्जन कौन सा है, कौन सा, उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लग जाएगा ये पता करने में कि रियल जो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कहाँ पर से काम स्टार्ट करना है। मालूम पड़ा वो पुराने वाले वर्जन से काम करना स्टार्ट कर दिया उसे। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बड़े बड़े कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ऐसी कंपनीज़ में जहाँ की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हो गया है जैसे विप्रो जैसी कंपनी है या मालूम पड़ा TCS जैसी कंपनी है जहाँ पर सॉफ्टवेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अगर मालूम पड़ा वर्जन में कन्फ्यूजन हो रहा है, टीम में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्या होगा कि मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या है अगर, और उसके अलावा अगर मान लें सॉफ्टवेयर 85,000 लैपटॉप्स रखे हुए हैं, 1,000 IT के हार्डवेयर्स रखे हैं और उसमें सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और फिर उनमें वर्जन अपग्रेड हो रहा है, कई में ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन आ रहा है, कई में जो है आपको अपग्रेडेशन करना है लेकिन आपको बाहर से उस अपग्रेड पैच को खरीदना पड़ रहा है, पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि अगर ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं। आईटी चेंज मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। आईटी चेंज मैनेजमेंट में हमने ये जाना था कि चेंज जो है परमानेंट है, और हमने ये जाना था कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं, की कंपोनेंट जो आईटी के चेंज मैनेजमेंट के दो की कंपोनेंट होते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, क्योंकि 4 या 5 साल में पूरा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना, पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है 4-5 साल में। उसमें फैसिलिटीज़ भले ही वही रहे, फैसिलिटी जिसमें आप वो आईटी सिस्टम्स रख रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, डेटा है, एप्लीकेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं,
लोग या तो चेंज हो जाएंगे या लोगों के स्किल्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए आपको लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, आईटी रिसोर्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा और उसी तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारा काम होगा कंपनी का और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जाकर देखेगा कि इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है कि नहीं किया गया है और हर क्लासिफिकेशन में सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ऑप्टिमम टाइम पर उसे चेंज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आएगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में वर्जन का मैनेज करना पड़ेगा, अपग्रेड्स का मैनेज करना पड़ेगा, या अगर सिस्टम अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि टेस्टिंग वाला कौन सा सिस्टम है, क्या कहते हैं जो इम्प्लीमेंटेड सिस्टम कौन सा है, और इम्प्लीमेंटेड सिस्टम के बाद जब आप अपग्रेड कर रहे हैं तो अपग्रेड वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो उसकी सारी हिस्ट्री होना, उसकी सारी लॉग होना, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कब कौन सा सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला गया, किस डेट को डाला गया, किस डेट उसके वर्जन अपग्रेड किए गए। तो इसके लिए आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ करेंगे, वर्जन मैनेज करने के लिए करेंगे। अगर आपके पास वर्जन अपग्रेड हो रहे हैं तो वो वर्जन को मैनेज करेगा, वो वर्जन की लिस्टिंग उसके पास होगी, वर्जन के लॉग्स उसके पास होंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहाँ करेंगे, जहाँ पर आप बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होने बहुत जरूरी है वहां पर। तो इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक कंपनी में जाएगा और वो इन दोनों चीज़ों को देखेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है और चेंज को मैनेज करना बहुत जरूरी है और चेंज से बेनिफिट उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप चेंज को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं होंगे, आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या अपनी कंपनी को सीवियर लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप चेंज ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हैं और दूसरी कंपनी से बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और पर्टिकुलर आईटी के रिलेटेड में तो मैसिव चेंजेस हो रहे हैं, और दो जगह चेंजेस होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते हैं और आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, 5 साल में या 4 साल में पूरा का पूरा जनरेशन चेंज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चेंज हुआ, सब चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये देखेंगे कि सारे के सारे चेंजेस सही तरीके से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से चेंजेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अवेलेबल हैं और वो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, उन जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, ट्रैक डाउन करके यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहा है। सिस्टम जो है, सिस्टम को पता है सबसे पहली बात कि वो कहाँ पर है और उसी के अनुसार वो डिसीजन ले पाएगा। और दूसरा स्टेप होता है वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का देखना। तो वो अगर वहाँ वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको हेल्प कर सकते हैं हम डिसीजन लेने में, और हेल्प करने के बाद सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं, आईटी के गोल्स को मीट आउट कर सकते हैं, आईटी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने की में हेल्प करेंगे। तो आईटी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आईटी रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और आईटी आईएस सिक्योरिटी को मेंटेन करे रखना, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिव होगा। थैंक्स।